जय हिंद साथियों। साथियों, जैसे कि आपको सब पता है, आज देश में जिस तरह से किसानों के ऊपर तीन काला कानून ये केंद्र की बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार जबरन लागू किया गया। दोस्तों, जिस तरह से किसान बिल में उन्होंने कानून बनाया कि इसमें कोई कहीं पर भी एमएसपी किसी की नहीं है और पैन कार्ड होल्डर खरीदारी करेगा किसानों से। दोस्तों, पैन कार्ड होल्डर अगर किसानों की खरीदारी कर पैसा नहीं देगा, उन पे कोई डिस्प्यूट होगा तो इसका फैसला ना ही कोर्ट पे होगा ना कचहरी पे होगा, बस एक एसडीएम और एक काउंसलर को बैठाया जाएगा, जो वो फैसला लेगा किसानों को मानना पड़ेगा। दोस्तों आपको समझना होगा, एमटीएन हो लो, बीएसएनएल हो, ये बड़े बड़े देश के धरोहर थे जिसको निजीकरण करने की कोशिश हुई। अंबानी अदानी जैसे लोगों को, जियो जैसे कंपनियों को आगे किया गया, आज टेलीकॉम सेक्टर को खत्म किया। आज निजीकरण जिस तरह से देश में हो रहा है दोस्तों, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स अंबानी अदानियों को बेच दिया जा रहा है। इसी तरह जो देश के 17% जीडीपी में किसानों का योगदान होता है, 17% दोस्तों देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसकी पूरी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन अंबानी अदानियों के खजाने भरने के लिए नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़ी साजिश रची है। इस काला कानून में कहीं पर भी किसानों के हित पे कोई भी एक अंश शामिल नहीं करते हैं। दोस्तों, आज किसान हजारों लाखों की संख्या पे हरियाणा पंजाब बॉर्डर से दिल्ली जाना चाह रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को मिलने के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के शादी गाने में जाने के लिए उनके पास समय रहता, लेकिन अन्नदाता 130 करोड़ लोगों का पेट भरने के अन्नदाता के पास मिलने के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास कोई समय नहीं। लेकिन अन्नदाता यहाँ पर डटे हुए और इनका यही मांग है और यही कह रहे हैं कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेंगे वो यहाँ से हटेंगे नहीं। दोस्तों प्रधानमंत्री किसानों को लूटने का काम करते हैं। दोस्तों, एक तरफ डीजल पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों के कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। ना ही कोई कर्ज माफ हो रहा है, ना डीजल पेट्रोल के दाम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल पेट्रोल के दाम कम है, लेकिन उस पे जबरन ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ शामिल होकर उसको दिन हर दिन ये बढ़ाते जाते हैं। दोस्तों, ये काला कानून देश के ऊपर, देश के अन्नदाता के ऊपर जबरन थोप रहे हैं, इसका कड़ा विरोध कांग्रेस और किसान लगातार करते रहेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी हरित क्रांति लाए थे, क्योंकि हमारे देश में अन्न की कमी थी तो हम बाहर देश से अन्न खरीदते थे, लेकिन अन्नदाता को वो आगे बढ़ाकर हरित क्रांति लाए, जिसमें पूरे देश को हम आज अन्न दे रहे हैं। दोस्तों, हम दूध पे, गेहूं पे, शुगर केन में आज नंबर 1 नंबर 2 पे है पूरे विश्व में, क्योंकि ये अन्नदाता ने आज हमें उस मुकाम पे पहुंचाया। दोस्तों, ऐसे अन्नदाता के सपोर्ट में हम सबको आना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार।